आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम। दोस्तों स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है और आज जो 21 तारीख है इसका शाम का वीडियो है। हमने देखा कि 20 दिन तो निकल गए हैं और जून का महीना थोड़ा सा कमजोर निकला था, जुलाई में अच्छी बारिश हुई थी, अगस्त के पहले 15 दिन बहुत ही बढ़िया बारिश पूरे भारत में देखी, 7% का सरप्लस पहुंच गया था। उसके बाद धीरे धीरे कमी आई, 3% तक गिर गया सरप्लस, अब फिर से 4% पर आ गया है और उम्मीद ये दिखाई दे रही है कि अब जो वेदर सिस्टम है यानी कि इस अगस्त का जो आखिरी ये लो प्रेशर एरिया बना है ये डिप्रेशन में बदल जाएगा। और क्योंकि अगस्त के बाद सितंबर में बारिश कम हो जाती है, लेकिन चिंता वाली बात नहीं है कि लानीना की तरफ हम आ रहे हैं, क्योंकि जो न्यूट्रल कंडीशन है वो धीरे धीरे लानीना की तरफ आ रही है और लानीना जो हमारा मानसून है उसको काफी सशक्त करता है। तो ये अच्छा इंडिकेशन है कि सितंबर में भी जो मानसून है वो सामान्य से ज्यादा रहेगा। तो कुल मिलाकर के पूरे भारत को बारिश अच्छी मिलने वाली है। अगर हम देखते हैं कि इस समय जो लो प्रेशर एरिया है वो आप देखिए इस जगह पर आ चुका है, यहाँ पर आ गया है, अब ये आगे बढ़ेगा, इस तरह से आगे बढ़ेगा और यहाँ पर वेल मार्क्ड लो बन जाएगा और यहाँ पर आते आते ये डिप्रेशन बन जाएगा यानी कि मध्य प्रदेश के ऊपर आते आते, और उसके बाद ये फिर ये लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन के रूप में ये गुजरात के ऊपर आएगा और ये इस तरह से यहाँ पाकिस्तान के ऊपर चला जाएगा, ये इसका ये रूट होने वाला है। तो इस तरह का ये पूरे इलाके में बारिश देता हुआ जाएगा और ये इसका जो असर है वो कई राज्यों पर दिखाई देगा, क्योंकि जब इस तरह की कोई बड़ी वेदर सिस्टम बनता है तो ये एक तो यहाँ से ये जो ट्रेवल करेगा यहाँ से इस तरह से, तो अगर यहाँ पर डिप्रेशन बन के आता है तो हवाएं क्या है वो इस तरह से घूमेंगी, बहुत तेजी से आएंगी। तो ये जो हवाओं की स्पीड है यहाँ पर तो पश्चिमी तट पर मानसून को काफी ज्यादा एक्टिवेट कर देगी। तो जो महाराष्ट्र के कई इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश होगी, आपका जो झारखंड से लेकर के उत्तरी छत्तीसगढ़ हो गया, विदर्भ है यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश, और इसी तरह दक्षिणी मध्य प्रदेश से होती हुई गुजरात, दक्षिणी राजस्थान और कोंकण और गोवा के साथ साथ उत्तरी जो मध्य महाराष्ट्र है, नासिक, मालेगांव, जलगांव, नंदुरबार, धुले, ये जो इलाके हैं इन इलाकों में भी भारी बारिश होने की संभावना है। और उसी तरह साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश यानी दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में जैसे कि अलीराजपुर, बड़बनी, धार, खांडवा, खरगोन और जो अलीराजपुर है और आपका नीमच, रतलाम, उज्जैन, यह ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। इंदौर, भोपाल, देवास, सियोनी में भी भारी बारिश हो सकती है 25 तारीख के आसपास। तो इस तरह का ये जो माहौल जब बनेगा यानी कि वेदर एक्टिविटी जब यहाँ की बन जाएंगी तो ये एक तरह से बहुत बड़ा इंडिकेशन है, क्योंकि जुलाई और अगस्त में ही इस तरह के जो डिस्टर्बेंस हैं वो बनते हैं, सितंबर में थोड़ा सा कम हो जाते हैं लेकिन अक्टूबर के बाद से फिर नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर के में साइक्लोन बनना शुरू हो जाते हैं, मानसून विड्रो हो जाता है। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या दूसरा जो सीजन है साइक्लोन का वो बनना शुरू हो जाता है। तो अभी क्या होगा कि ये जो एक तो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है, थोड़ा सा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बना हुआ है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपका यहाँ पर है। तो हवाएं इस तरह से चल रही हैं, ये जो हवाएं हैं यहाँ से इधर घूम रही हैं और यहाँ से ये इधर आ रही है। तो ये हवाएं ये जो हैं यहाँ पर एक तरह से उत्तर पश्चिमी आ रही हैं ये इस जगह पर। तो यहाँ पर इसीलिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के साथ साथ गुजरात के कई इलाके सूख जाएंगे। लेकिन ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये हवाओं को खींच रहा है, यहाँ पर खींच रहा है और यहाँ से भी जो हवाएं हैं ये आ रही हैं, यहाँ से इधर से जाएगी और ये जो हवाएं हैं यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएंगी ये पश्चिमी तट पर। तो इससे क्या होगा कि महाराष्ट्र वगैरह के ऊपर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। तो ये एक तरह से वेदर एक्टिविटी जो होती है इन लो प्रेशर एरिया और इनके जो प्रभाव से एक तरह से रेगुलेट की जाती है, इसमें हम बात करते रहेंगे। और अगर देखा जाए तो डिप्रेशन इस तरह से बनेगा जैसे मैंने बताया और ये हवाएं चलती रहेंगी। अगर हम चलते हैं ये फोरकास्ट की तरफ तो पहले चलते हैं पहाड़ों की तरफ। तो पहाड़ों पर अभी क्या है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख पर हल्का रहेगा, उत्तरी पंजाब जो पाकिस्तान का है वहां पर भी हल्की से मध्यम बारिश होगी और हल्की से मध्यम बारिश और एक दो इंटेंस स्पेल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी हो सकते हैं। लेकिन भारी से अति भारी बारिश अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि जो मॉइस्चर है वो कंसंट्रेशन आपका यहीं पर रहेगा, यहाँ पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका असर तो रहेगा लेकिन जो हवाएं हैं वो रेस्ट्रिक्ट हो रही हैं, पश्चिमी हवाएं आ रही हैं तो यहाँ मॉइस्चर थोड़ा कम हो जाएगा, बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन ये लैंडस्लाइड, मडस्लाइड का खतरा अभी भी हो जाता है, एक दो अगर 20 या 22 या 15 से 20 मिलीमीटर का भी स्पेल होता है तो खतरा बढ़ जाता है। तो ये इस तरह का यहां पर वेदर एक्टिविटी रहने वाली है। पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब में अभी जो वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई देगी तो हो सकता है ये रूपनगर है, शहीद भगत सिंह, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहब, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, पटियाला, ये जो इलाके हैं यहां पर बारिश हो सकती है।
और होशियारपुर और कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, यहाँ पर भी हल्की बारिश हो सकती है, खंड वर्षा हो सकती है। लेकिन आपका अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर और ये फरीदकोट, मुक्तसर साहब, मोगा, बठिंडा, बरनाला, मनसा, संगरूर, कपूरथला, ये जो इलाके हैं ये सूखे रहेंगे। यहाँ पर अभी फिलहाल अगले 3-4 दिनों तक बारिश नहीं है। उसके बाद 26 तारीख से लेकर के 31 तारीख के दौरान पूरा पंजाब एक तरह से शुष्क हो सकता है, ये एक चिंता का विषय है। लेकिन सितंबर में फिर से वेदर एक्टिविटी बढ़ सकती है, जब सारे डिप्रेशन वगैरह हट जाएंगे, फिर एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ ऊपर आ सकती है। उसी तरह से हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में खंड वर्षा हो रही है, क्योंकि मॉइस्चर है और जैसे ही गर्मी बढ़ती है, हवा गर्म होकर उपड़ती है, लोकलाइज्ड वेदर एक्टिविटी यानी पैची रेन, पॉपी जो बादल होते हैं वो बन जाते हैं। और ये जो खंड वर्षा वाले बादल हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े दायरे में नहीं होते, लेकिन इंटेंस शावर देते हैं, यानी कि थोड़ी देर के लिए भारी बारिश, तेज बारिश देकर चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद मौसम साफ हो जाता है। और इस तरह का माहौल अभी बना रह सकता है। तो चंडीगढ़, पंचकूला, यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यहाँ पर तो बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी पानीपत, सोनीपत, दिल्ली और फरीदाबाद, नू, पलवल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी खंड वर्षा यानी कि पैची रेन, जो 1-2-5-10 मिनट का स्पेल हुआ और निकल गया, इस तरह का माहौल रह सकता है। बाकी जो सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, हिसार, भिवानी, ये जो जींद वगैरह है, यहाँ पर चांसेस काफी कम है, लेकिन जो पैची रेन अभी भी, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बढ़ सकती है, उससे बादल बन सकते हैं, तो बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है इस इलाके में। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो बारिश है वो मॉडरेट शावर्स होंगे। अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, भदोही, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना ठीक ठाक दिखाई दे रही है। और जो बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बदायूं, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, इस इलाकों में भी अच्छी बारिश है। लखनऊ, कानपुर, नौ वगैरह में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। आगरा, हाथरस, अलीगढ़ में बारिश की संभावना कम दिखाई दे रही है। और उसी तरह से झांसी, महोबा, ललितपुर में भी बारिश काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई दे रही है। इस तरह का माहौल रहने वाला है। अगर हम आगे चलते हैं, इस वेदर सिस्टम को और आगे ले जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये 22 तारीख की बारिश है। इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं थोड़ा सा, तो आप देखिए उत्तर प्रदेश के जो ये आगरा, हाथरस, अलीगढ़, यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी, लेकिन बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी रहने वाली हैं। एक ये वेदर सिस्टम है। और ऊपर से अगर हम आगे चलते हैं बिहार की तरफ, तो बिहार में अब काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अब क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया का जो हवा है वो इस तरह से घूम करके जब आएंगी, नमी वाली हवाएं बिहार में आएंगी, तो ये पूरे बिहार में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। ये 22 तारीख से बढ़ेगी, 21 या 22 तारीख से बढ़ जाएंगी, 22 तारीख से मान के चलिए कल से। और उस समय मॉडरेट शावर्स होंगे, बहुत ज़्यादा भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन माहौल थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा और गर्मी से कुछ राहत आपकी मिल जाएगी। ये पिछला वो मैंने बनाया था, उसी का रह गया। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये जैसे मैंने बताया कि बारिश की गतिविधियां अभी भी जो यहां पर ही रहने वाली हैं, ये जो इलाका है। सवाई माधोपुर, धौलपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां अभी भी जारी रहेंगी। और ये जयपुर, अजमेर और पाली में, राजसमंद, सिरोही में, दौसा में हो सकता है खंड वर्षा हो जाए, लेकिन श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, सांचौर, ये जो इलाके हैं ये सूखे रहेंगे और अगले 3-4 दिनों तक सूखे रहेंगे। लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, जो दक्षिणी इलाकों में एक बार फिर से हो सकता है कि बाड़मेर और जोधपुर के भी दक्षिणी इलाकों में 25-26 तारीख को भारी बारिश की संभावना बन रही है, क्योंकि जो डिप्रेशन आएगा वो इस इलाके को प्रभावित कर सकता है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगातार बारिश की गतिविधियां जारी हैं, पूरे इलाके में रहेगी। ग्वालियर, दतिया, मुरैना, भिंड, ये जो इलाके हैं यहाँ बारिश कम होगी। रीवा, सतना, सिंगरौली, स्थिति, सहदौल, यहाँ पर ठीक ठाक बारिश होगी। मांडला, डिंडोरी, सिवनी और नरसिंहपुर, सागर, ये जो इलाके हैं, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां हैं 24-25 तारीख से बढ़ जाएंगी। इस पूरे इलाके में जो उज्जैन, रतलाम, झबुआ, अलीराजपुर, बरवानी, ये सारे इलाके भारी बारिश देखेंगे। ऊपर के इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के भी दक्षिणी जिले जो है, अगर रायपुर और उसके नीचे वाले जितने भी इलाके हैं, यहाँ पर 25 तारीख को भारी बारिश की संभावना है। 24 तारीख में भी थोड़ी सी बारिश बढ़ जाएगी, लेकिन बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है। अब अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में क्योंकि जो वेदर सिस्टम है बांग्लादेश में बना है, गंगे पश्चिम बंगाल पर आएगा और फिर उड़ीसा के साथ साथ झारखंड के जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश देता हुआ निकल जाएगा। आपका जो पूर्वी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम और जो जमशेदपुर, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, रांची, ये जो इलाके हैं, बोकारो, रामगढ़, यहाँ पर तेज बारिश होगी। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बन रही है। उड़ीसा में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो
अभी देखा जाए तो कई इलाकों में दिखाई दे रही है आपको, ये देखिए उड़ीसा के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां अभी लगातार बन रही है। ये वेदर सिस्टम यहाँ पर है, ये आगे आएगा तो उड़ीसा में हल्के से मध्यम बारिश की गतिविधियां ही जारी रहने वाली है। बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में देखिए कि बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ जाएंगी। ये दो दिनों के बाद आपका महेसाना और ये पाटन, सबरकांठा, बनासकांठा, अहमदाबाद, बड़ौदा, अरवली, महीसागर, जो गोधरा और सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, डांग, ये सारे इलाके बारिश देखना शुरू कर देंगे। लेकिन भुज, नलिया, द्वारका, राजकोट, जामनगर, मोरबी, गांधीधाम, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम है। लेकिन जैसे 25-26 तारीख को जब वेदर सिस्टम यहाँ पर पहुंचेगा उस समय जो झमाझम बारिश होगी और बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। ये देखिए आप, ये आगे चलते हैं हम थोड़ा सा तेजी से, तो ये देखिए ये है, ये 25 तारीख का सिस्टम है। तो ये पूरा आपका देखिए मध्य प्रदेश के कई इलाके और कोस्टल एरिया जो महाराष्ट्र के हैं और ये जो गुजरात और दक्षिणी राजस्थान में बहुत ज़्यादा भारी बारिश है। और उसी तरह से आप देखिए कि पूरा ये गुजरात जो इलाका है, दक्षिणी गुजरात, ये बाढ़ग्रस्त हो सकता है। इस तरह का मौसम ये बन सकता है। लेकिन अभी ये काफ़ी दूर की बात है, 26 तारीख की बात है, तो इस पर अभी से थोड़ा सा एक प्रिकॉशन लेके हम चल सकते हैं। लेकिन ऐसा खतरा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश अभी यहाँ पर फिलहाल होने वाली है। अब अगर चलते हैं हम आगे तो गुजरात के बाद महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। मुंबई में बारिश, कल बारिश हुई है, कई इलाकों में काफ़ी दिनों के बाद बारिश हुई है। अब विदर्भ, मराठवाड़ा में बारिश रहेगी और अच्छी बारिश रहेगी, लेकिन साउथ मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के दक्षिणी जिले हैं वो अभी थोड़े बारिश कम देखेंगे। और जैसे मैंने बताया था कि 24-25 तारीख को विदर्भ के कई इलाकों में भारी बारिश हो जाएगी क्योंकि डिप्रेशन इसके ऊपर से गुजरने वाला है। और आगे हम चलते हैं तो जैसे मैंने बताया कि गंगे पश्चिम बंगाल में भारी बारिश है, उपमंडल पश्चिम बंगाल में है, और ये अब मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी अगले 24 घंटों के दौरान, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाएंगी। अगर हम फिर दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं तो कर्नाटक में जो बारिश की गतिविधियां हैं, ये देखिए जो वेदर सिस्टम आगे चला गया और ये इस तरह से थोड़ा सा घूम जाएगा, यानी कि इधर आएगा और कोस्टल एरियाज को प्रभावित करना लग जाएगा। लेकिन दो दिनों के बाद कर्नाटक में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, लाइट टू मॉडरेट रेन आज और कल रह सकती है। 23 तारीख से बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा कम हो जाएंगी। तेलंगाना में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी और उसी तरह से केरल में भी लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। तमिलनाडु, रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के ज्यादातर इलाके शुष्क हो जाएंगे। कोस्टल आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियां रहेंगी और जो भारी बारिश ये लक्षद्वीप में हो रही थी, क्योंकि ये वेदर सिस्टम आगे चला जाएगा तो यहाँ पर भी बारिश कम हो जाएगी और अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी हल्की से मध्यम बारिश आपको दिखाई देगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए। सबसे जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।